हमारे भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जब से ही विभाग पड़ रहा है वो धंधा सारा रद्द हो चुका है। दिन रात सोच में पड़े रहते हैं, खाना कभी खाते नहीं। ये जो कोर्ट में फैसला हो रहा है ये सारा दबाव के कारण है। इसमें कुछ आदमी रिहा हुए हैं लेकिन सब पर केस एकता तो सब एक ही था तो सब बरी होनी चाहिए। ये सब कुछ सरकार की और कंपनी की तरफ से दबाव में खेल हो रहा है। पूछना चाहता हूं कंपनी से कि आखिर मेरा क्या दोष था, मेरी जिंदगी के 4 साल 23 दिन किस वजह से आपने लिए मेरे से। मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरे को यहां से हथकड़ियां डाल के ले जाया गया और दूसरे दिन लाया गया। मेरे को उस समय मेरी जिंदगी के सबसे कठिनतम दिनों में से था वो। द प्रोसिक्यूशन हैव प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दैट्स व्हाई दिस 13 पर्संस हैज बीन कन्विक्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। सो इट इज अ केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर काइंड बिकॉज आवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज ऑल्सो हैम्पर्ड with such a kind of occurrence. FDI is not coming. We are saying that we are for making India, जो मोदी जी कह रहे हैं, और इस तरह के offences एक धब्बा लगाते हैं। In a case where there were 148 workers to begin with, if the court came to the conclusion that there was no basis to convict 117 workers, what is that what survives of that prosecution? And what is the nature of the evidence? What is the nature of that evidence? Those 13 are all leaders of the union. Absolutely. This is a case of targeted framing. 117 were also framed, but the union members, there is targeted framing. जो एक मजदूरों की छवि बनाई हुई है कि ये बहुत उग्र होते हैं या यहाँ पे जो है इस तरीके की कार्रवाई करते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ से चली जाए, ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे विनिवेश हो, रोजगार की संभावनाएं और बढ़ें, रोजगार के साधन और ज़्यादा आएँ, उसके लिए हम हमेशा सार्थक प्रयास करेंगे और हर तरीके से प्रशासन का, सरकार का सहयोग करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखी जाए कि जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है वो लेबर के लिए प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर ज़रूर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर वो जब पूरी नहीं होती हैं तो उसी के कारण लोगों में एक तरीके का विद्रोह उत्पन्न होता है।